कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत खतरनाक लड़ाई कर रहा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था तभी वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है उसके सामने उसी की शक्ल का एक हम शक्ल आता है वो आदमी उससे कहता है कि तुम जो भी हो मैं जानता हूँ इसलिए तुम्हें अपने असल रूप में आना होगा तभी उसको एक औरत नजर आती है वो कहती है मैं तुम्हें आज दुनिया की कहानी सुनाने आई हूँ जब सब ऐसे ग्रुप मिल गए थे वो अपने अपने कबीलों का बदला लेना चाहते थे जिस लड़ाई के बाद एक विचर दुनिया में आया विचर यानी की एक बहुत बड़ा जादूगर जो एक एल्फ था एल्फ यानी जो दिखते तो इंसानों की तरह हैं पर उनके कान थोड़े लंबे और उनके पास बहुत ही ताकतवर जादू होता है वो पहाड़ों में रहते हैं वो औरत बताती है कि इस लड़ाई में सात लोग थे वहाँ पर आदमी कहता है मैं ये कहानी सुनना चाहता हूँ पर वो सात लोग एक दूसरे से अनजान थे कोई भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानता था तो कहानी बारह सौ साल पहले की दिखाई जाती है एक लड़की जो एक किंगडम राज्य के सिपाहियों की, की लीडर थी इसका नाम एली था लेकिन उसको लड़ने का कोई भी शौक नहीं था वो तो सिंगर बनना चाहती थी इसीलिए ये अपने कबीले को छोड़ देती है है और एक गांव के बार में जाकर गाना गाने लगी थी तभी उधर एक आदमी बैठा था वहाँ पर जो बार के मालिक की बेटी थी जब उसको पानी दे रही होती है वो उसके साथ बदतमीजी करता है लेकिन तभी एली उधर अपने नौ ब्लेड फेंक कर उन आदमियों को जख्मी कर देती है उसने बार के मालिक की बेटी को तो बचा लिया था बच्ची पूछती है की तुम लड़ना कैसे जानती हो एली बताती है की मैं अपने कबीले के सिपाहियों की लीडर हूँ वो बच्ची कहती है फिर तो तुम्हे अपने कबीले के साथ होना चाहिए था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने राज्य पर हमला कर दिया था उस राज्य की हिफाजत एक कबीला किया करता था लीडर फजेल नाम का एक आदमी था वो सबको बचा लेता है और वहाँ की राजकुमारी को भी अब क्यूँकी फजेल ने राजकुमारी को बचाया था राजकुमारी उससे प्यार करने लगी थी मगर इस बात का पता फजेल के डैड को लग जाता है क्यूँकी ये उनके असूलों के खिलाफ था की कबीले का कोई भी आदमी महल में रहने वाले किसी भी आदमी को पसंद नहीं कर सकता था ये उनके असूलों के खिलाफ था इसीलिए वो अपने सभी रिश्ते फजेल से खत्म कर देते हैं और उसको अपने कबीले से बाहर निकाल देते हैं फजेल अपने डैड को अलविदा कहता है और चला जाता है जिसके बाद राजकुमारी के पास उसका भाई आया था वो उससे कहता है कि फजेल अब जा चुका है तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा और शादी करनी होगी राजकुमारी भी अपने भाई की बात मान गई थी हम एक पहाड़ में एक औरत को देखते हैं जो घोस्ट भूतों के कबीले की लीडर थी जो आसमान में होने वाले बदलाव को देख कर अपने मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रही थी मगर उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता उधर दूसरी तरफ एक जादूगर जिसने अपने जादू से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल लिया था उसने एक जादुई दीवार बनाई थी जिसकी मदद से वो उस दूसरी दुनिया में चला गया था और उस दूसरी दुनिया की ताकतों से जो बहुत खतरनाक थी उनसे सौदा कर लेता है एली को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था जिनको इसने बार में मारा था वो इसको एक जेल में बंद कर देते हैं वहाँ पर फजेल भी कैद था जब ये फजेल की बाजू पर बना टैटू देखती है तो कहती है तुम तो हमारे दुश्मन कबीले से हो ना और यहाँ पर क्या कर रहे हो क्यों कैद किया है तुम्हें इन लोगों ने वो बताता है मैं बस राजकुमारी से प्यार करने लगा था जिसकी मुझे सजा दी गई और मुझे राज्य से बात निकाल दिया गया अब क्योंकि उनके कबीलों की काफी सालों से दुश्मनी थी वो इधर भी लड़ने लगते हैं तभी उधर एक आदमी आकर फजैल को ले जाता है मगर एली अभी भी उधर ही कैद थी फजैल को जिसने इन लोगों से छुड़ाया था वो इसी के कबीले का साथी था जिसको इसके डैड ने भेजा था दरअसल कुछ राज्यों के दरमियान सुकून और शांति का समझौता होने वाला था इन सब बातों को लेकर उसके डैड डरे हुए थे इसीलिए वो फजैल को वापस बुला रहे थे मगर वो जाने से मना कर देता है जिसके बाद वो एक जगह पर जाता है वहाँ का मालिक उससे आने से पहले का सिक्का मांगता है मगर उसके पास सिर्फ एक चांदी का सिक्का था वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक चांदी है मगर जब वो अपने गले में लटकी हुई लॉकेट को देखता है तो वो उसके पास नहीं था वो दरअसल किसी और के पास नहीं बल्कि एनी के पास था उसने वहाँ पर वो जेल के लॉकेट की मदद से जेल के ताले को खोल लिया था जब वो बाहर आती है तो उसे अपने हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी जो उसकी बहन के पास था उसकी बहन भी एनी को लेने आई थी वो बताती है मॉम चाहती है कि तुम वापस आ जाओ सब कबीलों के दरमियान सुकून और शांति का समझौता होने वाला है はい。 एली ने भी अपनी बहन को मना कर दिया था कि वो वापस अब नहीं आना चाहती जब ये वापस बार में आती है तो बार के मालिक की बेटी इसे देखकर बहुत खुश होती है मगर फौरन से न जाने उसे क्या हो गया था वो दरअसल फ्यूचर के बारे में बता सकती थी कि आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है वो एली को बताती है कि तुम अपनी तलवार से एक दूसरी दुनिया के ताकतवर मॉन्स्टर को मारोगी ये बताकर वो बेहोश हो जाती है उधर राजकुमारी के महल में तीनों राजा जमा थे जो अपने लोगों के भूख लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके थे इसीलिए मिलकर अब वो समझौता करना ते थे तभी उधर राजकुमारी के पेट में दर्द होता है जब ये वापस अपने कमरे में जाती है तो जाते हुए अपनी एक सिपाही का गला काट देती है ऐसा करते ही दूसरी दुनिया से बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था और सब पर हमला कर देता है वो मॉन्स्टर एक ही झटके में वहाँ के राज्य के सभी राजाओं को मार देता है एक मिनट में सबका नामो निशान मिट गया था ये सब किसी और ने नहीं बल्कि राजकुमारी ने उस जादूगर के साथ मिलकर किया था जिसने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था अब क्योंकि सारे राजा मर चुके थे इसीलिए सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और एक राज्य बनाकर राजकुमारी को वहाँ की महारानी बना दिया गया था वो अपने नए किंगडम अपने राज्य का नाम गोल्डन एम्पायर रखती है सभी एल्स ने भी उसे अपनी रानी मान लिया था क्योंकि उन्हें तो सिर्फ खाना चाहिए था उधर एली उस बच्चे की माँ के पास आती है जिसने इसको इसके फ्यूचर के बारे में बताया था वो पूछती है क्या ये जो भी बताती है सच होता है उसकी माँ कहती है हाँ बिल्कुल सच होता है अब एली भी अपनी बहन के साथ जाने के लिए तैयार थी मगर जब ये दोनों जाने लगती हैं, तो कोई इन पर हमला कर देता है इस हमले में एली की बहन मर गई थी एली उन सिपाहियों से बहुत लड़ती है उधर इसकी मदद करने फजेल भी आ गया था ये मिलकर उन्हें मार देते हैं एली कहती है ये सिपाही तीन अलग अलग राज्य के हैं मगर इनमें तो बहुत सख्त दुश्मनी थी तो इन्होंने मिलकर हम पर हमला क्यों किया कुछ तो गड़बड़ है मुझे जाकर अपने कबीले वालों को बताना होगा फजेल कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे साथ ले जा सकती हो क्योंकि पता तुम्हें रास्ते में भी खतरा हो और उसके गले से अपना लॉकेट भी वापस ले लेता है एली अब फेल की बात मान गई थी ये उसके साथ परसिया की तरफ निकल पड़ती है उधर राजकुमारी अब महारानी तो बन गई थी मगर यहाँ के सारे फैसले जादूगर करता था वो रानी होने के बावजूद जादूगर के खिलाफ नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो वो अपने जादू की मदद से दूसरी दुनिया से लाया था एली और फच भी पर्शिया पहुंच गए थे वो एक होटल में आते हैं जहां पर उन्हें लोगों की बातों से पता चलता है कि अब इस राज्य की हक हुकूमत सिर्फ एक के हाथ में है जो यहाँ की रानी है तभी उधर कुछ सिपाही आते हैं जो अभी भी इन्हें ढूंढ रहे थे वो जब ये देखते हैं तो यहाँ से भाग जाते हैं एली और फजेल जब रात को दोनों साथ थे एली फजेल से पूछती है आखिर जिस मॉन्स्टर राक्षस के बारे में सब बात कर रहे थे वो आया कहाँ से होगा फजेल बताता है की एक बहुत बड़ा महान जादूगर था जिसने अपने जादू ऐसी काले पत्थर ऐसी एक बहुत बड़े मोनोलिथ एक पिनर को बनाया था जिसकी मदद ऐसी वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकता था और हो सकता है वो मॉन्स्टर भी उसी दुनिया से आया होगा अब क्योंकि इनके लोगों को भी जादूगर और महारानी ने मिलकर मरवा दिया था इसीलिए ये दोनों मिलकर उनसे बदला लेना चाहते थे हम उस जादूगर को देखते हैं जो दोबारा से दूसरी दुनिया में जाता है और वहाँ की ताकत शक्तियों से कहता है कि आपके दिए गए मॉन्स्टर ने मेरी बहुत मदद की पर अब मैं एक ऐसी ताकत चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे पास हो जिस पर दूसरी दुनिया की ताकतें कहती है की तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस कुर्बान करना होगा उधर फजेल और एनी मदद के लिए घोस्ट कबीले के लीडर के पास जाते हैं क्यूँकी उसके कबीले के लोगों को भी जादूगर और महारानी ने जहर देकर मार दिया था एली कहती है आपको हमारी मदद करनी होगी क्योंकि आपकी खानदानी तलवार भी उनके कब्जे में है अगर आप अपना बदला उनसे लेना चाहती हो तो आपको हमारा साथ देना होगा और इस तरह एली और फचेल के साथ अब घोस्ट कबीले की लीडर भी थी अब ये तीन हो गए थे इसके बाद हम एक बोनो की लीडर को देखते हैं जो एक एल्फ के दरवाजे पर जाकर कहती है कि मुझे एक आंख वाले एंफ की तलाश है वो बोनो के कबीले की लीडर अपने हथोड़े की मदद से खिड़की को तोड़कर एक घर में चली जाती है और वहाँ से सभी लोगों को मार देती है जिन्होंने इसकी दोस्त को मारा था महल में बाहर आने का भाई जादूगर के साथ था जादूगर उससे पूछता है क्या फजेल और एली को पकड़ लिया है वो कहता है नहीं उनकी तलाश जारी है उधर फजेल और अली पर्शिया के शहर में आकर एक बैंक में जाते हैं वो वहाँ से पैसे लेकर अपने साथ कुछ और लोगों को शामिल करना चाहते थे क्योंकि जादूगर से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी जब वो उस बैंक के अंदर जाते हैं तो कुछ सिपाही आकर उन्हें घेर लेते हैं बैंक का मैनेजर तो एक सुरंग के रास्ते से वहाँ से भाग गया था अब ये उन सिपाहियों से मुकाबला करते हैं मगर वो सिपाही इन सब को बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं ये भी अब उसी सुरंग से बाहर जाते हैं जहाँ से मैनेजर भागा था उधर महल में एक एल्फ महारानी पर हमला कर देता है मगर सही वक्त पर उसका एक जादू का स्टूडेंट उसे बचा लेता है महारानी उससे पूछती है कि उसने मुझ पर हमला क्यों किया वो कहता है कि आपके राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है जादूगर उनको कुछ भी नहीं देता इसीलिए आपको मारकर वो अपना बदला पूरा करना चाहते हैं अब वो उस स्टूडेंट से कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा मैं जानती हूँ कि जादूगर और मेरा भाई अपना काम पूरा होने पर मुझे मार देंगे इसीलिए तुम्हें मेरे लिए जादूगर की जादुई किताब को चुराना होगा जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है इसके बाद महारानी उस लड़के के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती है और अपने राज्य का हाल देखती है सब लोग एक दूसरे से भीख मांग रहे थे खाने के लिए किसी के पास कुछ खास नहीं था उस ये देख कर बहुत हैरत होती है उधर जंगल में फजेल और एली थे जिनके साथ घोस्ट कबीले की लीडर भी थी जो उन सिपाहियों के हमले ऐसी बहुत ज्यादा जख्मी हो गयी थी इसीलिए फज़ेल और एली उसको एक जगह बिठा कर उसके लिए जड़ी बूटियाँ लेने जाते हैं कभी उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास उनको पकड़ने का पोस्टर था वो कहता है जिसकी तलाश में तुम हो मुझे भी उन लोगों ऐसी बदला लेना है उन्होंने मेरे पूरे गाँव को खत्म कर दिया मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ एली ने उसको भी अब अपनी टीम में शामिल कर लिया था अब ये चार लोग हो चुके थे उस हमले की वजह घोष घोस्ट कबीले की लीडर बहुत जख्मी थी क्योंकि उसको जहरीली तलवार से मारा गया था उधर ही वो आदमी जो इनके साथ शामिल हो गया था वो कहता है कि मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ जो अपने जादू से इसको ठीक कर देगी जब वो उन्हें उनके पास लेकर जाता है तो रास्ते में चारों तरफ धुआं था वो कहता है देखो इस धुएं में तुम्हें अगर कुछ भी नजर आए तो रुकना मत बस चलते रहना इन सबको अपनी जिंदगी में होने वाले खतरनाक हादसे नजर आ रहे थे मगर ये उधर पहुँच गए थे जहाँ पर एक जादूगरनी थी जो उस जादूगर की बहन थी जिसकी किताब को चुरा कर बड़ा जादूगर दूसरी दुनिया में गया था उधर महल में जादूगर अपने बच्चों को दूसरी दुनिया में ले गया था ताकि उनको कुर्बान कर सके और शक्तियाँ हासिल करके एक महान जादूगर बन जाए मगर वहाँ की शक्तियाँ ताकतें उसे कहती है की इस चीज़ का कोई फायदा नहीं तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना होगा उस इंसान की जान देनी होगी जिसको तुम दिल से मानते हो इस बात पर जादूगर को गुस्सा आ गया था उधर जंगल में जादूगर ने घोष्ट कबीले के लीडर को अपने घर ले जाकर जादू से ठीक कर देती है यहाँ पर उसका भाई भी था वो फजेल को बताता है कि मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं दूसरी दुनिया में जाऊं। मगर जब मैंने अपने जादू से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला तो उस वक्त मेरे साथ वो जादूगर भी था वो दुनिया तो बिल्कुल बंजर थी वहाँ मैंने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को भी देखा था जिसे देख कर मैं डर गया था पर जब हम वापिस आये तो जादूगर ने मुझे कैद करके मेरी जादुई किताब को ले लिया और मैंने अपनी आँखों से तुम्हारी बहन को मरते देखा है जिसे महारानी ने मारा था बाद में उस जादूगर ने सबसे ये कह दिया कि मैं दूसरी दुनिया में खो चुका हूँ मगर अब सब और आसमान के बदलाव को देख रहे हो हमें जल्द ही कुछ करना होगा इन सबको बचाना होगा मेरे पास एक मोनोलिथ है जो हमें सीधा जादूगर के मोनोलिथ तक लेकर जाएगा अब ये ऐसा ही करते हैं मगर ये दूसरी दुनिया में पहुँच गए थे मगर वहाँ पर इनके पीछे एक बहुत बड़ा सेंटिपेट मॉन्स्टर पड़ जाता है लेकिन जल्द ही ये अपनी दुनिया में वापिस आ गए थे और जादूगर ने उसका भाई अपने जादू से दूसरी दुनिया के दरवाजे को बंद कर देते हैं तभी उस मॉन्स्टर का आधा हिस्सा इस दुनिया में और आधा दूसरी दुनिया में रह गया था तभी यहाँ पर ये देखते हैं कि आसमान पर जादूगर का मॉन्स्टर उड़ रहा था यहीं पर बोनो के कबीले की लीडर इन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करती है ये इन्हें एक गुफा में ले गई थी कहती है मैं जानती हूँ तुम कौन लोग हो और कहा से आए हो मेरे हथौड़े ने मुझे सब बता दिया है दरअसल उसके पास जो हथौड़ा था वो उससे बातें कर सकती थी वो इनको बताती है की तुम्हे महारानी और जादूगर को मारने से पहले उस मॉन्स्टर को मारना होगा जो वो दूसरी दुनिया से लेकर आए हैं यहाँ पर जादू का भाई कहता है हम उस मॉन्स्टर को तब मार सकते हैं जब हमारे पास खुद एक ताकतवर मॉन्स्टर हो फैल उस ऐसी पूछता है क्या ऐसा हो सकता है वो कहता है हाँ जो दूसरी दुनिया से मॉन्स्टर आया है मैं उसके दिल को निकाल कर उस पर जादू करूँगा उसको एक इंसान के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो ताकतें उस इंसान के अंदर आ जाएंगी ये सुनकर एली कहती है ठीक है मैं इस काम के लिए तैयार हूँ पर फजेल ऐसा नहीं चाहता था कि एली ऐसा करे वो उसको मना कर रहा था कुदर महल में उस स्टूडेंट ने जादुई किताब को चुरा लिया था मगर जादूगर उसे ऐसा करते देख लेता है और उस पर अपने जादू से हमला कर देता है लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तभी उधर महारानी और उसका भाई आ गया था जिन्होंने जादूगर की बेटी को पकड़ा हुआ था वो उस स्टूडेंट को छोड़ने की धमकी देते हैं इधर जंगल में एली और फजेल दोनों साथ थे वो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे जब सुबह होती है तो एली किसी के चीखने की आवाजें सुनती है वो गुफा के अंदर जाकर देखती है तो फजेल ने उस दवा को पी लिया था जिसको एली खुद पीकर मॉन्स्टर से जुड़ने वाली थी फजेल बहुत ज्यादा तड़प रहा था पर जादू करने का भाई उसको दवा पिलाकर तैयार करता है महल में महारानी ने जब जादूगर को कैद कर दिया था और उसकी जादुई किताब को चुरा कर दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी ताकि अपने राज्य के लोगों के लिए अनाज ला सके पर वो स्टूडेंट जो किताब को पढ़कर जादू कर रहा था उससे दरवाजा नहीं खुल पाता गुफा में जादूगर फैल पर जादू करती है उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उसके जिसम में डाल देती है जिससे अब सबको ये लग रहा था कि फजेल मर चुका है पर अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है उसकी आँखें पढ़ चुकी थी महल में एक घोस्ट कबीले की लीडर महारानी के पास आती है और उसको फजेल के पकड़ने का पोस्टर दिखाती है वो जाकर कहती है मैं घोस्ट कबीले से आई हूँ मैं जानती हूँ कि फजेल कहाँ पर है अगर आप मुझे मेरे कबीले की जादुई तलवार दे दें तो मैं बता दूंगी कि फजेल कहाँ पर है ये सुनकर महारानी घोस्ट कबीले की लीडर के साथ अपने पचास सिपाहियों को भेजती है उधर गुफा में फजेल अब बहुत ताकतवर बन चुका था वो सबके खून को भी सूंघ सकता था महारानी जेल में जादूगर के पास जाती है उसने जादूगर को एक खास किस्म के जेल में कैद किया हुआ था जहाँ पर कोई भी जादूगर अपना जादू नहीं कर सकता था वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे मेरे लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी वो कहता है ठीक है पर तुम्हें मेरे साथ मेरी बेटी को भी भेजना होगा उधर जब जेल और एली महल की तरफ बढ़ रहे थे तभी उधर घोस्ट कबीले की लीडर महारानी के बेचे सिपाहियों के साथ आ जाती है जिसे देख कर अली को ऐसा लग रहा था की इसने इन्हें धोखा दिया है पर तभी उधर कुछ दूसरे सिपाही आकर इन्हें मार देते हैं अब ये सभी उन सिपाहियों के कपड़े पहनकर महल में आ गए थे वो सभी जेल को बंदी बनाकर महल में ले आए थे इधर ही महल में जादूगर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल रहा था उसके साथ ही रानी अपने भाई और अपने कुछ सिपाहियों को भेज दी है ताकि ये उधर से अनाज ला सके क्यूँकी जादूगर ने कहा था कि दूसरी दुनिया में बहुत सारा अनाज है बहुत सारा खाना है लेकिन यहाँ पर आकर जादूगर अपनी बेटी को मार देता है उसने उसकी कुर्बानी दे दी थी और उन सिपाहियों को भी जो महारानी ने भेजे थे उन्हें भी मार देता है बाहिर रानी के पास गोस्ट कबीले के लीडर फचेल को लेकर आती है वो उससे पूछती है एली कहाँ है एली का क्या हुआ वो कहती है उसे तो मैंने मार दिया था गोस्ट कबीले की लीडर कहती है कि अब आप मुझे मेरी जादुई तलवार वापस कर दें रानी उसे मना कर देती है और अपने सिपाहियों से कहती है कि इसी ने जा सबके सामने इसका सर कलम कर दो लेकिन बाहर एली और उसके साथियों ने सभी महारानी के सिपाहियों पर हमला कर दिया था और फिर वहाँ के लोगों से एली कहती है कि अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है ये सब तुम्हारी रानी की वजह से हुआ है अगर तुम सब लोग चाहो तो हम आजाद हो सकते हैं वहाँ के सभी परेशान एल्फ एली की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे महल के अंदर रानी फजेल से कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा क्योंकि रानी तो पहले ही फजेल को पसंद करती थी मगर वो कहता है तुमने मेरे गाँव के सभी लोगो को मार दिया जिन्होंने हमेशा तुम लोगो को बचाया ये कहते हुए फजेल अपना आपा खो देता है और सभी सिपाहियों को मार देता है रानी तो वहाँ ऐसी भाग गयी थी तभी दूसरी दुनिया ऐसी आया हुआ बहुत बड़ा मॉन्स्टर फजेल आरोप हमला कर देता है उधर गोस्त कबीले लेकिन लीडर सभी सिपाहियों को मार देती है जो उसे मारने ले जा रहे थे और महल का दरवाजा खोल देती है बाहर से सभी एल्प लड़ने के लिए तैयार थे एली बाहर रानी के पास आती है और उससे कहती है तुमने जादूगर के साथ मिलकर ऐसा क्यों किया वो कहती है मैं तो सिर्फ अपने राज्य के लोगों को बचाना चाहती थी एली उससे कहती है तुम एक बेवकूफ रानी हो इससे ज्यादा कुछ नहीं और उसके पेट में चाकू मार देती है रानी अब जख्मी हो चुकी थी वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है जब वहाँ पर उसके राज्य के लोग उसे मारने आए थे तो वो अपने पेट ऐसी चाकू निकालती है और मर जाती है जादूगर भी दूसरी दुनिया से वापस आ चुका था जिसके पास अब बहुत ज्यादा ताकत थी वो जादूगरनी और उसके भाई पर हमला कर देता है उधर बहुत बड़ा मॉन्स्टर फजेल को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन एली उधर आकर अपने चाकू से उस मॉन्स्टर की आँख पर हमला कर देती है जिससे उसकी आँख जख्मी हो गयी थी जिसके बाद वो मॉन्स्टर एली पर हमला करता है और आसमान की तरफ भाग जाता है एली को फजेल जब जख्मी देखता है तो खुद कंट्रोल से बाहर हो गया था और खुद भी मॉन्स्टर बन जाता है वो एक बहुत बड़ा ताकतवर मॉन्स्टर बन चुका था वो बहुत बड़ी तलवार उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है पर उसे मारने के बाद अब फजैल अपने ही लोगों को मार रहा था एली उसके पास जाती है उसे गाना सुनाती है जिससे वो थोड़ा सा शांत हो गया था और फिर उसे गले लगा उसको चाकू मार देती है क्यूँकी फजैल अब उनके लिए खतरा बन चुका था उधर जादूगर जो अभी भी जिंदा था जादूगरनी का भाई कहता है की हमें इस जादूगर को इसकी ताकत का इस्तेमाल करके इसे मारना होगा जादूगरनी अपने जादू का इस्तेमाल करती है वो अपने भाई और जादूगर दोनों को मोनोलिथ के साथ बांध देती है और उसको तोड़ देती है जिससे उसका भाई और जादूगर दोनों मर गए थे पर उस मोनोलिथ के टूटने से सभी दुनियाओं के दरवाजे खुल गए थे सब कुछ बदल चुका था एल्फ्स की दुनिया में इंसान भी आ गए थे सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था फिर से नई दुनिया बन गई थी इसके बाद हम कहानी में छह महीने बाद का सीन देखते हैं अब इस दुनिया में मॉन्स्टर भी आ चुके थे एलिफ जेल के बच्चे की माँ बनने वाली थी उस बच्चे में एल्फ और मॉन्स्टर दोनों खून था और यहाँ से शुरू हुई थी गैर की कहानी अब ये कहानी जो वो आदमी सुन रहा था उसने सारी लिख ली थी बाद में वो उस औरत से सवाल करता है मगर वो तो गायब हो चुकी थी तो ये थी उस सात लोगों की कहानी जिन्होंने अपने कबीलों को बचाने के लिए ये सब किया और इसी के साथ इस सीजन की कहानी यही आरोप खत्म हो जाती है